जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। और दोस्तों अभी हालत ऐसे है ना, मतलब बोलने लायक नहीं हो रहे भाई, गर्मी। हर हर महादेव दोस्तों। और उसको अभी देखो भाई, यहाँ से वो देखो, वो उधर से देखे। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों मैं भाई छोटा कैलाश की पदयात्रा कर रहा हूँ, हल्द्वानी से छोटा कैलाश। और भाई उसकी दूरी है 20 से 26 किलोमीटर की, भाई कंफर्म पूरा नहीं पता है। तो भाई मैं और अमन भाई कर रहे हैं भाई छोटा कैलाश की पदयात्रा। और भाई हमारे साथ जा रहे हैं दो बंदे और हैं, जो कि भाई आपका काठगोदाम पहुँच चुके हैं, वो चल रहे हैं बाइक से। और दोस्तों आज है 7 मार्च, और 7 मार्च को भाई रात को हम 10 से 10:30 बजे पहुंच जाएंगे छोटा कैलाश। और सुबह 8 मार्च को फर्स्ट क्लास तरीके से दर्शन करेंगे भोले बाबा के, और फिर वहां से रिटर्न हो जाएंगे बाइक से अपनी। तो भाई ये वीडियो में भाई बने रहना, क्योंकि भाई जो छोटा कैलाश का व्यू और लोकेशन भाई जो इतनी तगड़ी है ना कि भाई क्या बताऊं, फर्स्ट बार जा रहा हूं भाई मैं। और भाई मैंने लोगों की वीडियो में देखे हैं और वैसे भी सुना है, बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास तरीके, इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी लोकेशन है, क्या बताया जाए। भाई चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। और अगर दोस्तों आप भोले बाबा के भक्त हो तो लाइक करना, और भाई अगर श्री राम जी के भक्त हो तो कमेंट करना, और भाई दोनों चीज के भक्त हो तो दोनों काम करना। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बाकी दोस्तों आप लोग सामने देख सकते हो, अभी हम लोग काठगोदाम में पहुंचने वाले हैं। तो ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के हमें पीछे जाना है। तो यहाँ से आगे से घूम के, जो सामने पेड़ दिख रहा है, टावर दिख रहे हैं, इसके पीछे होके पीछे घूम के तब हम लोग जाएंगे उसको आगे को। रही भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों अभी भाई रात हो चुकी है, अंधेरा काफी हो गया, और भाई हम पहाड़ों के किनारों में चल रहे हैं एकदम। और हमारे साथ दो भैया लोग और मिल चुके हैं भाई, वो हैं आपके बहेड़ी से, एक भैया जी ये जा रहे हैं, और एक भैया जी हर हर महादेव। तो भाई हौसला बढ़ाने के लिए प्रभु ने दो शिव भक्त और भेज दिए। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। और दोस्तों अभी मैं जमरानी पहुंच चुका हूं, और भाई पीछे शिव भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये डॉगी भाई कितना प्यारा है भाई, ये काठगोदाम से मिला है, और भाई ये भी हमारी तरह साथ जा रहा है भाई भोले बाबा के दर्शन करने। और भाई अभी टाइम दिखाता हूँ आपको, देखो भैया आप टाइम देख सकते हो, उसमें 6:55 हो रहे हैं। ये कुत्ता हमें 6 बजे से मिल लगा है, आधा घंटा भाई इसे हमारे साथ चलते हो गया। और भाई ये भाई पक्का जाएगा आपका छोटा कैलाश, और शिव बाबा के दर्शन करके जरूर आएगा। तो भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। रात को भाई यहाँ से महादेव के दर्शन कराता हूँ मैं आपको, देखो। पर भाई क्या कर रहा है, बहुत दूर है, अंधेरा है, पर थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं दोस्तों। जो सामने वाली लाइटिंग हो रही है, यहीं पे बैठे हैं अपने भोलेनाथ। रास्ते में चलते चलते हमें लगी भूख, और यहाँ पे मिले हमें कुछ शिव भक्त, और जो की करा रहे थे भंडारा खिचड़ी और अचार का। और भाई हमने यहाँ पे खाया भंडारा, मन भाई सामने खा रहे बैठ के, और फिर हमने खा के यहाँ पे भाई थोड़ा सा मनोरंजन किया, डांस किया हल्का सा, फिर यहाँ से चल दिए बाबा की कैलाश। हर हर महादेव दोस्तों। भाई चलते हुए जो मजा आ रहा है, क्या बताऊं। तो आप जय जय महाकाल लिखते रहो, हर हर महादेव कमेंट में लिखते रहो, आगे कुछ नहीं दिख रहा भाई। और भाई देखो नीचे भाई तारे टिमटिमा रहे हैं यार, ये देखो भाई ये सारे मकान है पहाड़ों के, हम बीच बीच में है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा आगे नीचे ऊपर दाएं भाई। ये हमारे साथ के लोग, ये देखो हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम काफी मेहनत के बाद भाई पहुंच गए हैं भोले बाबा के थोड़े दर्शन करने के लिए। तो दर्शन भाई यहां से हो रहे हैं काफी देर चलने के बाद। भाई ये रहे भोले बाबा, हर हर महादेव दोस्तों। तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद भाई हम भोले बाबा के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। अब यहां से हम भाई फिर ऊपर चलते हैं और बाबा के दर्शन कराते हैं, आप बन रहो हमारे साथ, और भाई दिखाते हैं भोले बाबा को, चलते वहाँ पे। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। और दोस्तों अभी हालत ऐसे है ना, मतलब बोलने लायक नहीं हो रहे भाई, गर्मी। तो भाई चढ़ाई पूछो मत भाई, इतनी चढ़ाई करके आए, इतना पैदल चल के आए, कहीं दर्द नहीं हुआ, यहाँ के भाई दर्द होने लगा यार, हालत देखो। हे भगवान, चलते हैं यार जल्दी जल्दी। भाई साहब चढ़ाई देखो, इतनी खतरनाक चढ़ाई है दोस्तों। अभी हमें यहाँ से पूरी उतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी, सोचो कितनी है यार, कितनी है भैया, बहुत है ना भाई, यहाँ से वहाँ तक पूरी खड़ी चढ़ाई। चलो चलते हैं यार, भाई सब ढलान भी तगड़ा है।
हर हर महादेव दोस्तों। और दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद भाई हम 1:30 बजे आपका पहुंच चुके हैं। टाइम देखो भाई, आप टाइम देख सकते हो 1:30 बजा है भाई, और 1:30 बजे भाई हम पहुंच गए यहाँ। देखो भाई ये सामने रहा आपका मंदिर भाई। यहाँ पे हम दोनों भाई, दो भाई पीछे रह गए थे उनके लिए रुके थे, और एक भाई बंदा अपना बहुत पहले पहुंच गया यार, बाइक से आता ना तो ऊपर ही है। अब चल के भाई मिलते हैं वहाँ पे, और भाई आपको दिखाते हैं। और भाई सुबह की भाई जो वीडियो बनाएंगे ना भाई, उसको आप देखने के लिए ना कहोगे कि हाँ कुछ दिखाया है, तो भाई कंटिन्यू बने रहना। भाई मेरा फर्स्ट बार है, तो भाई ये कि एक कुंड है भाई, इतना ही जानता हूँ मैं इसको। और भाई ऊपर भाई अपने वहाँ पे बाबा हैं जो कि भोलेनाथ भाई, उन्होंने वहाँ पे तप किया था। और भाई ऊपर नीचे देख सकते हो आप, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इतना देखो यहाँ पे। और अंदर चलते हैं मंदिर के, फिर कराते हैं बाबा के दर्शन आपको। दोस्तों हमने स्वर्ग की सीढ़ी को किया नमन, और हम चलते भाई ऊपर भोले बाबा के पास। फिर हमने ऊपर जाके थोड़ी सी यहाँ पे भाई सुने भजन। भजन सुनने के बाद भाई हमें जाना था भाई दर्शन करने के लिए, तो भाई हम यहाँ पे भजन सुनने के बाद गए सीधे भाई अंदर दर्शन करने के लिए। फिर भाई हम लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद भाई बहुत देर के बाद हमने भाई यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, तो भाई बाबा ने यहाँ पे प्रसाद लिया और चढ़ाया। फिर हमें भाई हमारा प्रसाद जो था उसमें थोड़ा और रखे, और भाई हमें दे दिया वापस। आपको दिखाते हैं भगवान, भगवान वो बैठे हैं हमारे, जय भोलेनाथ। फिर दोस्तों हमने यहाँ पे लिए एक पिक्चर। दोस्तों मंदिर के बाहर आके हमने देखा अपने हल्द्वानी को, तो हमने अपने हल्द्वानी को भाई अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो दोस्तों भाई दर्शन तो बहुत अच्छे से कर लिए हैं हमने, और भाई अब थोड़ा सा आवाज यहाँ पे और हाँ सकते हैं भाई, ठंडा काफी ज्यादा हो रहा है, हवा चल रही है बहुत ज्यादा, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद हर हर महादेव। तो हमें भाई पर्वत पे लगने लगा बहुत ज्यादा ठंडा, क्योंकि भाई जो वहाँ की चोटी थी सबसे ज्यादा ऊंची चोटी वही थी, और वहाँ पे भाई इतनी ठंडी हवा चल रही थी भाई। देखो हाथ गर्म करने के लिए चलो भाई, मेहनत करी पर भाई लकड़ी नहीं मिली, तो हमने भाई ये घास से ही काम चलाया, घास मांग लगाई, और भाई यहाँ पे हमने हाथ सेके भाई। और भाई जो सुकून मिला भाई हाथ सेकने के बाद, क्या बताया जाए, बहुत बड़ा मजा आ गया भाई, हाथ सेक के गर्म गर्म हो गया माहौल। भाई साहब आप बैकग्राउंड देख सकते हो पीछे का कितना तगड़ा आ रहा है, और भाई हमारी हल्द्वानी वो रही सामने भाई साहब, ऐसे पूरा चढ़ाई योरा ढलान भाई, वो हमें उधर जाना है पूरा, वहाँ पहुँचना है। फिर उसके आगे साइड में हमारी बाइक खड़ी है पार्किंग, फिर हमें वहाँ से घूम के ऐसे करके वो उधर से जाना पड़ेगा पूरा भाई। वहाँ से सनराइज हो गया है शायद, देखो लग रहा है भाई, मैं ले नहीं पाया पर उधर साइड हो गया है ऐसा लग रहा है मुझे भाई देख के। और ये चेक करो भाई साफ, क्या गजब आ रहा है यार, ये रहा भाई पूरा खतरनाक ही है। हर हर महादेव दोस्तों। और उसको अभी देखो भाई यहाँ से, वो देखो वो उधर से लेके वहाँ से लेके पूरा, ये देखो गाड़ियाँ लगी हैं बाइक की, बाइक यहाँ पे बहुत सारी लगी हैं, वो पूरा ट्रैफिक फंसा पड़ा है भाई, ऊपर नीचे सब जगह देखो भाई पूरा ट्रैफिक है, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अपनी हल्द्वानी वो रही पूरी भाई साहब, खतरनाक ही लग रहा है आँखों के सामने से देखोगे तो क्या है। हर हर महादेव दोस्तों। और दोस्तों जो रात हमारे साथ भाई शेरू गया था ना, साक्षात भैरव देवता बनके भाई, वो अभी सुबह 8 मार्च, और भाई टाइम कितना हो गया आपका भाई, टाइम देखो 7:30 हो गया है, और भाई देखो अभी भी हमारे साथ ही है शेरू। आओ आजा 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 भाई, मान लो भाई दर्शन करके आया भाई, पूरे मंदिर तक के दर्शन करे भाई इसने, देख रहे हो इसे कहते हैं शिव भक्ति। ये देखो रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक भाई, लौटते समय आप देख रहे हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है।